हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा यादव द फैशन डिज़ाइनर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं। तो स्ट्रेट प्लाजो के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लेंथ और एक थाई। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिए 37। आप अपने अकॉर्डिंग जिसका भी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेंथ ले लीजिए। उसके अंदर जो भी लेंथ है उसके अंदर 1 इंच ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 38। ओके, 38 हो गया। उसके बाद थाई की मेज़रमेंट यहाँ पे मेरे पास 22 है। जो भी आपकी थाई होगी उसको आपको हाफ़ से डिवाइड करना है। बट गाइस, थाईज़ की मेज़रमेंट बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको मेज़रमेंट लेनी नहीं आती है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं मेज़रमेंट कैसे लेते हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो चलते हम आगे। जो भी आपकी थाई होगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 11 आ गया हमारे पास। और उसके अंदर 2 इंच की लूजिंग देंगे। 2 इंच हम लूजिंग के लिए दे रहे हैं ताकि वो हमारा कंफर्टेबल हो। तो 2 इंच की लूजिंग दी, हमारे पास यहाँ पे आ गया 13। तो जो ये 13 हमारे पास आती है ये हमारी होती है विड्थ हमेशा। ओके, लेंथ 38, विड्थ हमारी 13 हो गई। अब आपको क्या करना है, मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। मान लीजिए कि ये आपका फैब्रिक है यहाँ पर। ओके, ये आपकी विड्थ है यहाँ पर, ये आपकी लेंथ है। तो सबसे पहले आपने लेंथ लेनी है। यहाँ से आप देखिए कि 38 कहाँ पर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक मार्क किया, ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 38 आ रहा है। आपको यहाँ से इसको फोल्ड कर देना एज इट इज़ फैब्रिक को, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। और जो आपका यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको एज इट इज़ रखना है, अभी कुछ भी कटिंग नहीं करनी है आपने। इसको रख लिया, अब हमें चाहिए विड्थ। विड्थ हमारी यहाँ पर आई थी 13। तो आप देखिए कि 13 कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये 13 आ रही है लेंथ, विड्थ हमारी यहाँ पर 13 आ गई है। तो यहाँ से भी 13 और यहाँ से भी, जहाँ से ये चीज़ है ओपन, यहाँ से भी 13। ये मैं एक बार मेज़र कर लेती हूँ यहाँ पे कितना है मेरा। ओके, तो हमें नीचे से भी उतना ही लेना है। तो ये आ गया मेरा, मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको ईज़िली दिखाई दे जाएगा। ये मेरे पास विड्थ है यहाँ पे, ये लेंथ है यहाँ पे। अब इसको हमें फ़ोल्ड करना है। लेकिन फ़ोल्ड करते टाइम एक चीज़ जो अपने ध्यान रखनी है वो ये कि जो आपका ये शॉर्ट वाला जो पीस है ये आपका ऊपर हो कि आपको नज़र आए। अगर आप इसको जैसे मान लीजिए ऐसे फोल्ड कर देंगे अगर ऐसे, तो ये जो पीस आपका ये अंदर चला जाएगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो हमेशा इसको आपने इस टाइप से फोल्ड करना है कि जो आपका पीस है वो आपको नज़र आए। ये देखिए, इस टाइप से आपने इसको फोल्ड कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया। दिख रहा है आपको ये जो पीस है मेरा, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। फाइन, अब क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने विड्थ, ये हमारी जो है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, ये हमारी है विड्थ। विड्थ हमारी है 13। ओके, और जो ये चीज़ है हमारी, इस साइड मार्क करती हूँ क्योंकि ओपन साइड में हमें क्रॉच लेंथ लेनी है। ये हमारी है लेंथ 38। अब जो हमारी ओपन वाली साइड है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ओपन वाली साइड है, इस साइड से आपको जो आपका ये छोटे वाला पीस था यहाँ से लेके इस ओपन वाले पीस से आपको 2 इंच अंदर जाना है। 2 इंच अंदर चले गए आप। अब आपको यहाँ पे लगाना है क्रॉच लेंथ। अब क्रॉच लेंथ के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि एक सेकेंड गाइस, क्रॉच लेंथ जो होती है हमारी वो हमारी होती है 10 to 12 के बीच में। अगर कोई पतला बंदा है तो पतले के लिए हम 10 ले लेते हैं, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है तो मैक्सिमम हमारी जो क्रॉच लेंथ होती है वो 12 होती है। 12 से ज़्यादा किसी की नहीं आती, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम 10 लेके चल रहे हैं। तो आपने ये 2 इंच अंदर की साइड आना है यहाँ पर। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप 2.5 भी ले सकते हैं ये। उसके बाद आपने 10 इंच नीचे आना है। मान लीजिए ये आप नीचे आ गए 10 इंच, साथ साथ इधर भी निशान लगा लीजिए कि इधर भी आपका ये, आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पे आपका 10 इंच आया है। उसके बाद आपने इसको फ्रेंच कर्व से, अगर हाथ से कर सकते हो, बहुत छोटी सी गोलाई होती है ये, ऐसे इसको गोल कर देना है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो आपकी ये वाली लाइन है, जो आप 2.5 या 2 इंच अंदर आए हैं, उसको आपने ऊपर एक्सटेंड करना है 1.5। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप ये 2 भी कर सकते हैं। ये हम किस लिए करते हैं, क्योंकि ये हमारा बैक पोर्शन होगा और बैक पोर्शन की साइड हिप होते हैं, तो हिप के लिए हमें जो है
1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ताकि बैठते टाइम प्रॉब्लम ना आए। तो हम इसको 1.5 एक्सटेंड कर देते हैं, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया ऊपर की साइड। और उसके बाद यहाँ पे आपको टेढ़ा मिला देना इसी लाइन के साथ। तो ये हमारा हो गया है, टेढ़ा मिला दिया मैंने इसको। ओके, ये मैंने टेढ़ा मिला दिया। तो बस हमारी इतनी सी इसकी ड्राफ्टिंग होती है। अब आपको कटिंग करनी है इसकी। तो कटिंग करते टाइम आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ यहाँ पे, जो मैं मार्क कर रही हूँ ये चीज़ की कटिंग होगी पहले यहाँ से, ये क्रॉच लेंथ की। और जो ये ऊपर वाला हम एक्सटेंड किया हमने, पहले इसी चीज़ की कटिंग करनी है आपने, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। देखो, कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे इसको। ये यहाँ पे किया, उसके बाद ये क्रोच लेंथ को कट करेंगे। इसमें हमारे जो फ्रंट और बैक होते हैं वो दोनों की दोनों कटिंग एक साथ हो जाती है। तो कोई अगर बिगनर भी सीख भी रहा है बिल्कुल, उसको भी इसको मैक्सिमम कट करने में 25 मिनट 30 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जिसको आता है वो तो 10 मिनट का काम है। ये हमने कटिंग कर दिया इसको यहाँ पे। ओके, अब आपको हमारे ये जो पीस है यहाँ से जॉइंट है, ये पीस हमें इनको अलग कर देना है यहाँ से। मैं यहाँ से इसको, फैब्रिक को कभी भी उठाना नहीं है कटिंग करते टाइम, हमेशा आपको इसको रख के एज इट इज़ कटिंग करनी है। मेरे पास तो ये पेपर है इसलिए मैं इसको उठा लेती हूँ। मैं इसको ओपन करके कटिंग कर देती हूँ यहाँ पे, सीज़र भी क्योंकि छोटी है मेरी। ओके, ये हो गया आपके पास। अब जो हमारे पीस है यहाँ से भी हमने जॉइंट थे ये हमने फोल्ड किया था, यहाँ से भी इसको अलग कर देते हैं। और इनको भी अलग कर देते हैं। ये हमने जोड़ दिए। अब जिसमें हमने जो हमने 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है यहाँ पे, वो जो ये हमारा हो जाएगा बैक, जिसमें हमने 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। ओके, एक ये वाला पीस, एक ये पीस, ये दोनों हमारे बैक वाले पीस हैं। और ये हमारे फ्रंट पीस है जिसमें स्ट्रेट है, ये फ्रंट पीस है हमारे। ओके, ये देखिए, दो इसके हो गए और दो इसके हो गए। तो ये हमारी बहुत ही ईजी ड्राफ्टिंग होती है, बहुत ही ईजी आप लोग करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस, आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिपीट करूँगी, ठीक है। या फिर आप मुझे, अगर यहाँ पे मैं बाई चांस नहीं रिप्लाई कर पाती, आप मुझे इंस्टाग्राम लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, आप उसके ऊपर जाके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली रिप्लाई करूँगी कोई भी डाउट होता है आपको। लेकिन आप प्लीज़ ट्राई करिए, अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी और जो डाउट्स हैं वो निकल के आएंगे बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।